नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खरगोन जिले के भीकनगांव तहसील के बमनाला में बेदा नली पुल के समीप स्कूल बस पलटी। करीब 22 बच्चे थे सवार। रोजाना दर्जनों स्कूल बसों का इसी मार्ग से होता है आवागमन। गाड़ी के स्टेयरिंग फेल होना बताया जा रहा है मामला। बस वाल्मीकि गुरुकुल बमनाला स्कूल की है। 5 बच्चों का बमनाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा गया, जहां कुछ बच्चों को सिर और हाथ में मामूली चोट आई है। आपको बता दें कि जब स्कूल की संचालिका तृप्ति चौबे से बात की गई तो उन्होंने स्कूल बस की कमियां छुपाते हुए बताया कि बच्चों की इलाज की जिम्मेदारी स्कूल की है, बच्चों का इलाज कराया जाएगा। इधर बस में स्पीड गवर्नर भी नहीं था। बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बस के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। अगर बस के ब्रेक नहीं लगते तो बस बेदा नदी में जा गिरती, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। सारे बच्चों की जान भी जा सकती थी। बेदा नदी का यह रोड काफी जर्जर हालात में है। अभी तक इसकी मरम्मत तक की सुध नहीं ली गई है। हमें सूचना मिली कि बस जो है पलटी खा गई है। हमने स्कूल का दूसरा जो मैजिक था हमारा वाहन, उसको भेज के बच्चों को सुरक्षित बुलवा के और जिला अस्पताल में उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। जो भी प्रॉब्लम आता है या जो भी इलाज की जरूरत होगी, तो स्कूल पूरा प्रबंधन जो है इसका पूरा इंतजाम करने के लिए तैयार है और इंतजाम पूरा करेगा। कितने बच्चे आपने खरगोन भेजे? खरगोन हम लोगों ने 3 बच्चों को भेजा है। निजी स्कूल की बस पलटी खा गई थी, जिसके लिए बच्चों को उपचार से यहाँ लाया गया था। क्या पूरा विषय था ये? ये बस पलटी खाने के बाद में उस पर कुल टोटल 12 बच्चे घायल हुए थे, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद 5 बच्चे रेफर कहाँ किए गए सर? खरगोन जिला अस्पताल में। क्या उनको गंभीर चोटें आई थी? हाँ, कुछ चोटें ज़्यादा होने से उनको रेफर किया गया। अंदरूनी चोटें थी। बरनाला चौकी प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है और हम हर स्कूल की कंडम बसों को जांच कर गलत होने पर उचित कार्रवाई करेंगे, मगर आरटीओ विभाग ऐसी चल रही कंडम बसों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो कि सोच का विषय है। निजी स्कूल की बस पलटी खा गई है और उसमें 12 बच्चे घायल हुए हैं। क्या पूरा विषय था ये? बरनाला की एक वाल्मीकि गुरुकुल करके एक प्राइवेट स्कूल है, जो सुबह की बैच में केलदा कोटड़ा से बच्चों को स्कूल के लिए लेके आ रही, जिसमें 14 साल तक के बच्चे बैठे हुए थे, लगभग 22, जो संभवतः ब्रेक फेल होने से या ड्राइवर की लापरवाही से जो वेदा नदी पुल और बमनाला के ठीक पास में है, उस पर पलटी खा गई और जिसमें 10 से 12 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार किया गया और 5 लोगों को खरगोन के लिए रेफर किया गया। सर, स्कूल प्रशासन की जो बस थी, आपने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है, तो क्या इस पर कार्रवाई बनती है? बिल्कुल, अभी भी पहले भी यानी कार्रवाई की गई उनके ऊपर और अभी भी यानी जो भी इस टाइप से पुराने कंडम टाइप से बसेस हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर पूरा? SI पदम सिंह मौर्य। खबर समय जगत के लिए भीकनगांव से संजय कुमार गीते की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।